एक मामूली कलम से कहां तक घसीट लाए, एक मामूली कलम से कहां तक घसीट लाए, हम इस गजल को कोठे से माँ तक घसीट लाए। ये सिर्फ शेर नहीं है, ये उनका स्टेटमेंट है, ये उनका बयान है। इसको अगर बयान के तौर पर हम ले, इसको दस्तावेज बनाया जा सकता है। वो ये कहते हैं कि मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, इससे ज्यादा में तेरा हो, दुआएं तो हमें मिलती रहेंगी, क्योंकि शायर तो कभी कोई मरता नहीं है। एक मामूली कलम से कहां तक घसीट लाए, एक मामूली कलम से कहां तक घसीट लाए, हम इस गजल को कोठे से माँ तक घसीट लाए। ये सिर्फ शेर नहीं है, ये उनका स्टेटमेंट है, ये उनका बयान है। इसको अगर बयान के तौर पर हम ले, इसको दस्तावेज बनाया जा सकता है। और जाहिर सी बात है, उन्होंने कई जगह कहा भी है कि जिस वक्त गजल सिर्फ एक गोश्त की दुकान बन के रह गई थी, जो तमाम हिस्से होते हैं बदन के, उसके बारे में उन्होंने खुद भी कहा हुआ है कि भाई मैं, मुझे एक मामूली शक्ल सूरत की किसी औरत से इश्क करना है तो वो इश्क मेरी, मैं अपनी माँ से क्यों नहीं कर सकता हूँ। उनकी एक शायरी का ये एक खास और बड़ा हिस्सा है जो उन्होंने माँ के हवाले कर दिया। उसके अलावा भी जिन पहलुओं पे उन्होंने बात की है, वो भी बिल्कुल अछूते थे, बिल्कुल नए थे। वो ये कहते हैं कि मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं, ज्यादा मैं तेरा कभी हो नहीं सकता, बराबर। मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। रख दी है किसी शख्स ने दहलीज पे आंखें, रोशन तो कभी इतना दिया हो नहीं सकता, बराबर। तो ये शायरी उनकी, और जिस तरीके से उन्होंने घरेलू ताल्लुकात होते हैं, जो घरेलू रिश्ते होते हैं, कि ना कमरा जान पाता है, नागनाई समझती है, कहां देवर का दिल अटका है, भौजाई समझती है, सही बात है। तो इस तरीके के जो शेर उन्होंने कहे, हमारे वो रिश्ते जो हमारे आम रिश्ते थे, बहुत खास रिश्ते थे, जिनको हम लम्हा लम्हा जीते हैं, उन रिश्तों पर उन्होंने बात की है, अच्छे ढंग से बात की है, असरअंदाज ढंग से बात की है, और उसको दुनिया के सामने रखा, और दुनिया ने उसको पसंद किया, ना सिर्फ पसंद किया बल्कि उसको सराहा। और जो उनका कद जो बड़ा है, वो जाहिर सी बात है उसके पीछे उनकी शायरी है, उनकी नस्र है। नस्र भी वो बहुत कमाल की लिखते हैं, उनकी कई किताबें नस्र की आई हुई हैं। मज़मून जो वो लिखते हैं अखबारात में, सहारा में शाया हुआ करता था। अब मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ उसी दिन सहारा खरीदता था जिस दिन मौलाना साहब का मज़मून आता था, नीम के फूल के नाम से मज़मून आता था उर्दू सहारा लखनऊ में, अखबार में। उस वक्त मैं तो अकेला नहीं था भाई, बहुत बड़ी तादाद थी, कसीर तादाद थी जो उसका इंतजार करती थी कि हफ्ते में एक दिन हम इमरान साहब का मजमून पढ़ेंगे। और क्या दिलचस्प वो शायरी और मजमून में वो नस्र लिखा करते थे। और एक बात मैं आपको बताऊं कमाल की, बहुत कम लोग जानते हैं कि इमरान साहब संचालक भी बहुत अच्छे थे मुशायरे के स्टेज के। शुरुआत में उन्होंने कई संचालन किए हैं कई मुशायरों के, संचालन भी अच्छा, हाँ, मंच को संचालित करने का काम वो बाखूबी अंजाम देते थे। और उन्होंने ऐसे ऐसे शेर उनको जाती तौर पर याद थे, मैं बताऊं आपको। हम लोग कभी बैठते थे, अक्सर बैठना होता था हम लोग को, वो बुलाते थे, और ये उनका बड़कपन था कि हम जैसे मामूली और छोटे लोगों को भी अपने पास बैठा लेते थे, अपने साथ खड़ा कर लेते थे, ये उनका बड़कपन था। हम लोग जब भी पहुंचते थे तो जाहिर सी बात है वो बड़े दिलचस्प आदमी तो थे ही हर लिहाज से, वो गुफ्तगू भी जो करते थे बड़ी मजे की होती थी, उसको सुनने का मन करता था। अच्छा, उनका जो घर है लखनऊ में, उसके ग्राउंड फ्लोर पर उनका दफ्तर था जिसमें वो बैठते थे, और कोई भी कभी भी जा सकता है। आप यकीन मानिए, आप हैरत कीजिए कि इतना बड़ा शायर एक मामूली संत की तरह एक कुटिया में अपने रहता है, और उससे जो चाहे जिस वक्त चले जाए, अगर वो मौजूद है तो उससे मुलाकात हो जाएगी, कोई भी जा सकता था। और ये वो कहते भी थे कि हमारे घर में ताला नहीं है, हमारे घर में अल्लाह ताला है, तो ये वो कहा भी करते थे। तो और ये बात है, वो जिस तरीके से हमें, जिन मोहब्बतों से हमें नवाजते थे और जिन दुआओं से वो हमें नवाजते थे, तो खैर हमारा एक जज्बाती पहलू भी है, उनकी दुआएं तो हमें मिलती रहेंगी, क्योंकि शायर तो कभी कोई मरता नहीं है, हमने तो अपने बड़ों बुजुर्गों से यही सुना हुआ है। सही बात।